नमस्कार, इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स दिल्ली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। गांधी जी की प्रेम कथा पर एक और पुस्तक आई है, और गांधी जी को लेकर मैंने जो सीरीज आरंभ किए थे वो बीच में कुछ छूटते गए। उस समय मैंने कुछ पुस्तकों का हवाला दिया था, आपको उपलब्ध भी कराया था कपोत पे। एक नई पुस्तक आई है वाणी प्रकाशन से, और उस पुस्तक का नाम है गांधी और सरला देवी चौधरी। इस पुस्तक को उपन्यास शैली में लिखी गई है ये पुस्तक, और मैं भारत के हर नागरिक से अनुरोध करूंगा कि ये पुस्तक को पढ़े। ये नहीं कि सिर्फ प्रेम की बात या उनके ब्रह्मचर्य की बात है, गांधी के जीवन के वो शेड आपको समझ में आएंगे, और गांधी के समर्थकों के वो शेड आपको समझ में आएंगे जो आज भी गांधीवाद के रूप में हमारा पीछा करती है। गांधी जालियांवाला हत्याकांड हुआ, जैसे आज बंगाल में हत्याकांड हुआ हिंदुओं का, लेकिन जैसे आप देखते हो कि काफी सारे सरकारी हिंदुओं ने ये समझा दिया कि हिंदुओं की ही गलती है जो वोट नहीं दिया हमारा, गांधी यही तर्क लेकर आए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी ने कहा ये मेरी गलती है, यानी ये हिंदुस्तानियों की गलती है कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तानियों ने मिशनरी पे हमला किया था, दो अंग्रेजों को मार दिया, इसलिए जालियांवाला बाग में उन्होंने बदला लिया, तो हमारी गलती नहीं। तो गांधी के उस मनोभाव को आप समझ पाओगे जो आज भी हिंदुओं पे अटैक करने के लिए हिंदू नेता हिंदू समर्थक आप पे अटैक करते हैं। गांधी ने जालियांवाला बाग को एक तरह से जस्टिफाई कर दिया कि जालियांवाला बाग इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ दिन पहले अंग्रेजों पर अटैक कर दिए थे। और जालियांवाला बाग के बाद गांधी जो प्रिंस है अंग्रेज ब्रिटेन का प्रिंस, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। गांधी के व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि सरला देवी चौधरी, इतनी ताकतवर महिला, वो सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी नहीं थी। आप जो आज संघ का जो एक अनुशीलन समिति से संघ का विकास देखते हो, आरएसएस का, उसके पीछे जो दिमाग था कि पंजाबियों आदि की तरह बंगालियों को मजबूत बनना चाहिए, और हर गली में इस तरह का क्लब, लट्ठबाजी का, तलवारबाजी का, ये सरला देवी फंड करती थी। तो बहुत स्ट्रांग महिला थी, और वो सरला देवी भी गांधी की उस बातों की चकाचौंध में फंसती चली गई। और तब पता चला कि सरला देवी के पति बहुत आर समाजी थे, और बहुत बड़े देशभक्त थे, बड़े पैमाने पर, रामभज नाम था उनका, बड़े पैमाने पर उन्होंने घर वापसी कराई थी, बहुत ताकतवर, बहुत। और वो जलियांवाला बाग कांड में वो जेल तक गए, और जब वो जेल गए हैं तब गांधी सरला देवी से मिलने उनके घर आते हैं। तो गांधी का जो साइकोलॉजी है, अगर उसको हिंदू समझ जाए तो भविष्य में हिंदू भटक नहीं पाएगा। गांधी जिसके घर में घुसते थे उसका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न कर देते थे। अब सरला देवी के घर से जब गए तो सरला देवी ब्रह्मचार्य, अब रात को वो लेट तक काम करती ताकि रामभज जब सो जाए तब वो बिस्तर पे जाए, और सुबह रामभज उठे उससे पहले वो बिस्तर छोड़ चुकी होती। तो कईयों के फैमिली को डिस्टर्ब कर देते थे गांधी। गांधी की ये विशेषता थी, और गांधी आंदोलन को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और चलाते थे। इसलिए भारत की जो हिंदू राजनीति के नेता हैं, हिंदू राजनीति के संगठन हैं, उन सबको समझने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उपन्यास शैली में महिलाएं पढ़ें, लड़कियां पढ़ें, सब पढ़ें, और तब आपको पता चला था कि कितने सारे पाखंड के शेड से जो गांधीवाद में हैं, और जो गांधीवाद आज भी चल रहा है, जो आपको कहा जाता, आज आप देखेंगे कि नेता के प्रति जनता जो फैसले पूरी तरह से पीछे पीछे जा रही है, ये गांधी के साथ था। और रामभट जैसे लोग अपने परिवार में अकेले हो जाते थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी भी साथ नहीं दे रही है। गांधी इस हद तक पिन करते थे। गांधी खिलाफत आंदोलन में शामिल होते हैं, और वो कहते हैं कि हम सौदेबाजी नहीं करेंगे मुसलमानों से गाय हत्या बंद करने के लिए। गांधी हर हालत में हिंदुओं से
बलिदान पे बलिदान मांग रहे हैं, परिवार छोड़ने से लेकर, जो आज भी आपको कहा जाता होगा वंशवाद समथिंग बाद, परिवार छोड़ने से लेकर राष्ट्र धर्म छोड़ने तक गांधी पहुंच जाते हैं। वो ही प्रभाव आज आपको, तो गांधी को नेताओं ने बहुत स्टडी किया, इसलिए आपको वो अपने चक्कर में फंसाते हैं। पर जनता ने गांधी को उस रूप में स्टडी नहीं किया, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा, इसलिए जनता बार बार उस धोखे का शिकार होती है। गांधी के कैरेक्टर्स में बहुत सेड हैं, अच्छे बुरे सब सेड हैं, और व्यक्तित्व तो था, तभी लोग उनके पीछे इतना पागल थे। पर उस पागलपन के पीछे की कहानी समझ पाओगे आप तब जब आप अध्ययन करोगे। तो इस पुस्तक से मैं आपको बताऊंगा कि गांधी का जो ब्रह्मचर्य है वो भी थोथा था, क्योंकि वो सरला देवी से शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, संभोगरत होना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य आरे आ रहा था उनका। लेकिन वहां भी दिमाग, लोगों ने कहा उनके कांग्रेस आदमी ने कि ये तो अच्छा नहीं होगा, तो लोगों के दबाव में उनका ब्रह्मचर्य था, लोगों के दबाव में उनकी अहिंसा थी, अंदर से गांधी कुछ और थी। इसलिए इस पुस्तक को उपन्यास शैली में इसलिए इंटरेस्टिंग लगेगा, सीधे फैक्ट जैसे हम लोग लिखते हैं, नॉन फिक्शन वाले कई लोग नहीं पढ़ पाते। मेरी पुस्तक मेरी पत्नी एक ही पढ़ पाई है, कहती बहुत फैक्ट होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाती, पर जब उपन्यास शैली में लिखा जाए तो, और बहुत बड़ी उपन्यासकार ने लिखा है उसको, अलका सरावगी ने, फैक्ट जिसको फैक्ट फिक्शन कहते हो, तो ये पढ़ा जाना चाहिए था। गांधी तड़पते हैं कि अब तुम्हारे बिना कठिन है रहना, इस तरह की स्थिति है उनकी। तो मैं गांधी के उस शेड्स के साथ कुछ और शेड्स बताऊंगा, और अभी मैंने 100 पेज ही पढ़े हैं इस किताब के, आगे फिर कभी, अभी जो सीरीज है तो आगे टोटल पढ़ के आपको बताऊंगा, मैंने मेन पॉइंट बताऊंगा। लेकिन ये गांधी का जो मैंने सीरीज किया था वो आज के हिंदुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि गांधीवाद, गांधीवादी नेता, गांधीवादी पार्टी आपका वही अहित करेंगे जो भारत का हित गांधी कर चुके, भारत का विभाजन से लेकर मालाबार में हिंदुओं के संघार से लेकर भारत के विभाजन तक की पटकथा के नायक गांधी हैं। और जयप्रकाश नारायण के परिवार तोड़ने से लेकर सरला देवी के परिवार तोड़ने तक की पटकथा के नायक गांधी हैं। गांधी अपना परिवार नहीं बचा पाए, गांधी अपनी पत्नी के साथ घृणा प्रदर्शित करते हैं, गांधी अपने बच्चों से घृणा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हिंदुओं ने अपने घर की दीवार पे गांधी की तस्वीर लगा रखी है। जो आदमी अपना परिवार नहीं बना पाया उसकी तस्वीर तुम्हारे घर में है, नेता तुमको रोज रात दिन राजघाट पर जाकर नौटंकी कर रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारे परिवार भी टूटेंगे। गांधी को उस प्रिज्म से देखने की जरूरत है, उस पूरे होलिस्टिक अप्रोच से देखने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझ पर कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अपनी दो पुस्तकों में गांधीवाद स्थापित किया, गांधी के दो पहलू को, एक कम्युनिस्ट विरोधी पहलू को कहानी कम्युनिस्टों की में, एक स्वच्छता के आग्रह को टॉयलेट गुरु में। इसलिए मुझे आप एक तरफा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको आज इस छोटे से पोर्शन पे बताऊंगा। कुछ विवेकानंद की भी चर्चा होगी, महर्षि अरविंद की भी चर्चा होगी, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका आपको ये वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे, यूट्यूब का यही एल्गोरिथम है। और यदि आप सामर्थ्यवान है तो सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, डिटेल आपके स्क्रीन पर है, indiaspeakdaily.com पे है, या फिर ज्वाइंट बटन के जरिए भी इस चैनल को बचाने के अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। अप्रैल 13, 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे भारतीयों को जालियांवाला बाग में मार दिया गया। उसके ठीक 6 महीने बाद 24 अक्टूबर 1919 की बात है, महात्मा गांधी लाहौर, जो अभी पंजाब की राजधानी होती थी, अब पाकिस्तान में है, एक बहुत बड़े देशभक्त पंजाबी ब्राह्मण, वकील, आर्य समाजी, राम भज दत्त चौधरी के यहां पहुंचते हैं। राम भज दत्त चौधरी उस समय जेल में है, घर में उनकी पत्नी है सरला देवी चौधरानी,
सरला देवी चौधरानी का 12 साल का एक बेटा भी है दीपक, सरला देवी की सास भी है। गांधी पति जेल में है पर गांधी उसके घर में ठहरते हैं। गांधी से पहले करीब 19 साल पहले सरला देवी से उनकी पहली मुलाकात हो चुकी थी एक स्टेज पर, और उस समय उन्होंने गांधी का एक गीत था नमो हिंदुस्तान, सरला देवी ने उस गीत को गाया था। गांधी से दोबारा मुलाकात सरला देवी की उनके घर में होती है और सरला देवी को गांधी अपने गांधीवाद में ढालना शुरू करते। सरला देवी चौधरानी बहुत ही स्ट्रांग महिला थी, बंगाली थी और वो रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, सगी भांजी थी। उनकी जो माता है वो बंगाल की प्रथम महिला साहित्यकार थी, स्वर्ण कुमारी देवी, स्वर्ण कुमारी देवी। और सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री मंडल की स्थापना थी उसने उन्होंने किया था। सरला देवी चौधरी के जो नाना है देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कितने स्ट्रांग और एलिट फैमिली से थी ये आपको बता रहा हूं। और उनके जो पिता थे जानकी नाथ घोषाल, वो कांग्रेस बंगाल कांग्रेस के सचिव थे। गांधी कभी उस जानकी नाथ घोषाल के घर में क्लर्क की भांति रहे थे, तो इतना बड़ा गैप था। उस गैप को समझिए, इतना बड़ा गैप था गांधी के और उस फैमिली के बीच में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका निकाली थी भारती, भारती में विवेकानंद पे बड़ा हमला किया था सरला देवी ने, तो विवेकानंद जी ने उनको पत्र लिखा था स्वामी विवेकानंद ने, और विवेकानंद ने मिलने के लिए बुलाया था। तो उस पत्रिका जो भारती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, उस पत्रिका की संपादक थी सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी की कहानी यही नहीं रुकती। जो हम वंदे मातरम गाते हैं आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, वंदे मातरम की जो धुन है वंदे मातरम, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भांजी सरला देवी के साथ मिलकर बनाया था। वंदे मातरम की धुन बनाने वाली वो इतनी स्ट्रांग महिला थी। और आरएसएस का जो हेडगेवार जी ने निर्माण किया था वो बंगाल के अनुशीलन समिति को देखकर किया था। उस अनुशीलन समिति को फंड देने वाली, और बंगाली पुरुष कोमल कोमल नर्म नर्म होते हैं, पंजाबियों की तरह मजबूत नहीं होते, राजपूतों की तरह मजबूत नहीं होते। तो सरला देवी चौधरानी ने क्लब लठ चलाने का, चाकू चलाने का हथियार, एक एक मोहल्ले में इस तरह के क्लब चलवा दिए थे। सरला देवी चौधरानी इस कदर थी। सरला देवी चौधरानी अपने नाना के ब्रह्म समाज से भी उतनी इत्तेफाक नहीं रखती थी, वो हिंदू धर्म और उसके विचारों को मानती थी। और विवेकानंद के विचार में जब विचलन आए विदेश से आने के बाद, तो सरला देवी ने अटैक किया था। आनंदमठ का एक बार मंचन हो रहा था मंच पे, और उन लोगों ने कहा कि मंचन हो रहा है, सरला देवी ने उसको फंड किया था। उन लोगों ने कहा कि इसमें जो मुस्लिम है ये हटा दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम होने के कारण वैमनस्यता फैली। सरला देवी ने कहा जो है वो है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दंगे हो जाएंगे। तो सरला देवी ने कहा कि जहां जहां आपत्ति उसको हटा दो। उन्होंने कहा नहीं, ये नाटक हो नहीं सकता। तो सरला देवी ने कहा दंगे हो जाने, दंगे हो जाने दो, आर पार हो जाने दो, लेकिन सच को कहां तक छुपाया जाएगा। ऐसी सरला देवी चौधरानी को गांधी ने क्या बना दिया। आज जो हिंदुओं पे एक कोहरा छाया हुआ है, नेताओं के पीछे जो दिमाग भटक रहा है, ये गांधी के पूरे कैरेक्टर्स को उतारा गया है आधुनिक समय में, और हिंदू इसी तरह भटक रहा है। वो सरला देवी चौधरानी अपने पति को समझाने में कामयाब हो रही थी बाद में कि ये तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों के दोष के कारण हुआ, ये गोली खाना हमारा ही किस्मत था। क्योंकि गांधी ने कहा कि हमने पहले अंग्रेजों पे हमले कर दिए थे, दो अंग्रेज मार दिए थे, अब क्रांति का मामला था तो अंग्रेज मरेंगे, और हमने मिशनरियों पे हमले कर दिए थे, इसीलिए बदला लिया गया जालियांवाला बाग का। इस तरह से विचारों में विचलन आपको नेता ला सकते हैं।
जब इतनी पढ़ी लिखी सरला देवी चौधरानी के विचार में विचलन आ जाए, तो आज के हिंदुओं के विचार में अगर आया तो क्या दोष है? आज के हिंदू बंगाल में मरने वाले हिंदू को दोषी ठहराता है, आज का हिंदू कश्मीर में मरने वाले पंडितों को दोषी ठहराता है। ये वही गांधी है के रास्ते पे चल रहा हिंदू है, वो उसी गांधी के रास्ते पे चल रहे नेता का अनुयायी हिंदू है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी हिंदुस्तानियों को मानता है। ये था बहुत बड़ा विचलन। अब सरला गांधी की उम्र 50 साल है और गांधी 13 साल पहले ब्रह्मचर्य अपना चुकी है। आज से 13 साल पहले यानी उनके ब्रह्मचर्य का अच्छा खासा समय बीत चुका है। ब्रह्मचर्य के बीच में वो स्त्रियों के साथ नग्न सोते थे, ये आपको बता चुका हूं, पिछला एपिसोड आप देख लीजिएगा। और सरला देवी की उम्र तब 47 साल है, यानी वो गांधी से 3 साल छोटी है। और सरला देवी का एक बेटा भी है 12 साल का, दीपक। स्त्रियों का एक बड़ा मोह होता है, मोह क्या है, वो उसके गर्व है अपने पुत्र के प्रति। और जो चालाक लोग होते हैं वो स्त्रियों पर प्रहार करने के लिए उसके पुत्र को चुनते हैं, उसके उसके गर्भ को चुनते हैं। गांधी ने वो प्रयोग किया सरला देवी के लिए और सरला देवी के पति को भी तोड़ने के लिए। उसका जो बेटा है 12 साल का, और सरला देवी अपने पति की तीसरी पत्नी है, दो पत्नी पति मर चुके हैं, तो सरला देवी से पहले की जो पत्नियों से रामभद्र जी को जो पुत्र है वो हृष्टपुष्ट हत्ते कट्ठे हैं। पर ये थोड़ा कमजोर है, जो सरला देवी कहती है कि बंगाली पुरुष थोड़ा, जो उन्होंने जिसको मजबूत बनाना उन्होंने चाहा। तो सरला देवी के पास विकल्प है शांति निकेतन, जो उनके मामा द्वारा स्थापित शांति निकेतन है, लेकिन सरला देवी उस गांधी के प्रभाव में साबरमती आश्रम में अपने बेटे को रखना चुनती है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है पूरी तरह। सरला देवी, गांधी ने सरला देवी को टारगेट करने के लिए कहां टारगेट किया? और रामबज जो जेल से बाद में आ गए हैं, तो रामबज के लिए जो पत्र लिखते हैं, तो गांधी केवल दीपक दीपक की चर्चा करते हैं। साबरमती आश्रम में वो बहुत अच्छा है, वो दूध पी रहा है, वो खा रहा है, यानी वो पति चाह के भी अपनी पत्नी के विरोध नहीं कर सकता। अगर गांधी का विरोध करना चाह तो घर के अंदर भी दरार क्रिएट कर देते। रामबज भी दबाव में आ जाते कि मेरे बेटे का ख्याल रख रहे हैं गांधी, और अगर वो गांधी की आलोचना करे तो पत्नी कहेगी कैसे मूर्ख हो तुम। गांधी बहुत बड़े साइकोलॉजी के साथ हिंदू जनमानस के साथ खेला, जो आज के नेता भी खेल रहे हैं, और इसी कारण हिंदुओं का सबसे बड़ा संगार हो परिवार के अंदर तक वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर दे रहे हैं गांधी। तो 47 साल के सरला देवी, 50 साल का गांधी, 12 साल का बेटा है दीपक, और सरला देवी की हंसी पर, सरला देवी पर जो कुछ कमेंट्स है वो कमेंट में पढ़ देता हूं, फिर मैं कहानी आता हूं। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी हंसी है वो इस राष्ट्र की विरासत है। अब देखते जाओ स्त्री सुलभ मस्तिष्क से कैसे खेला जाता है। फिर लिखते हैं, अभी अब बिछड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस तरह तुम बैठती थी उस जगह को मैं देखता हूं, उसे खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूं। 27 अप्रैल 1920 को गांधी पत्र लिख रहे, और सरला देवी ही है जिसको उन्होंने आध्यात्मिक पत्नी कहा, आध्यात्मिक पत्नी कहा। और सरला देवी जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, सिल्क की साड़ी है, गले में मोतियों की माला है, गांधी से लोग मिलने आ रहे हैं। गांधी बेताब होते हैं उस सुंदरता पर, गांधी कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी के वृत्तांत सुनना चाहता हूं। वो कहती है आप दिन भर मिले हो लोगों से, आप थक गए होगे, मेरी कहानियों का अंत नहीं है, मेरी कहानियां तो बहुत बड़ी है। गांधी कहते हैं तुमको मैं थका हुआ लगता हूं, और अगर लगता हूं तो तुम्हारी कहानी सुनते सुनते मेरी थकान मिट जाएगी। कितने बड़े शब्दबाज थे गांधी। सरला मुस्कुराती है, सरला की हंसी की जो खनक है वो कहते हैं कि तुम्हारी हंसी तो विरासत है, वो ये बात कहते हैं। फिर सरला अपनी कहानी कहती है, और धीरे 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 सरला और गांधी जो होते हैं वो आगे आगे नजदीक आने लगते हैं।
ये जो सरला और गांधी के बीच की पूरी कहानी है उसी को इस पुस्तक में 12 अध्याय में पिरोया है अलका सारावगी, और जिनकी जो कलिकता बाईपास को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2001 में, काफी बड़ी उपन्यासकार है। और गांधी जो है, इसमें गांधी का वह भी चर्चा आता है जो केलन केलन बाग के साथ, जिसपे आरोप लगा कि गांधी और केलन बाग समलैंगिक थे। ये भारत की राजनीति में जो आप अभी देख रहे हो वो आप गांधी को पढ़ लोगे आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि अभी का जो हमारा आरएसएस है, भाजपा है, मोदी जी, वो गांधी के ज्यादा करीब पहुंच चुके। गांधीवाद यहाँ की राजनीति का मट्ठा है जो जड़ में जाता है तो पूरी राजनीति को सुखा देता है, पर दिखने में वो मट्ठा बड़ा टेस्टी लगता है। तो केलन बाग, अब मैंने भागवत जी का नाम लिया क्योंकि समलैंगिकता पर उनके प्रवचन होते हैं, तो केलन बाग की कहानी भी इसमें आती है कि गांधी के लिए केलन बाग क्या क्या करता था। और जब गांधी बाहर चले जाते हैं तो सरला देवी की गैर मौजूदगी में वो बहुत उदास होते हैं, और इस पुस्तक में बताया गया है कि सरला देवी और गांधी जो है उससे आध्यात्मिक पत्नी तो कह रहे हैं, उसके साथ दैहिक मिलन के कगार पे पहुंच जाते हैं, यानी इतना खोखला पिलपिलासा ब्रह्मचर्य है उनका। इसलिए बिना शास्त्र को का अध्ययन किए जाने ये जो ब्रह्मचर्य नाम का एक जाल फेंका था, और गांधी झूठे भी हैं, बातों को बहलाते तो हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गांधी का झूठ भी है कि गांधी ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें उस अंतरंग क्षण को छोड़ दिया है, यानी गांधी छिपा भी रहे हैं, छिपाना भी झूठ है। इसलिए सत्य के प्रयोग, सत्य वचन, ये सब एक ढकोसला है, धीरे धीरे जैसे गांधी का राज खुलेगा। तो किताब में यह दावा है कि दैहिक मिलन के कगार पर दोनों पहुंच गए थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को बेचैनी होने लगी कि गांधी अगर दैहिक मिलन में चले गए तो हमारा आंदोलन का क्या होगा, हमारी संगठन का क्या होगा। उन्होंने गांधी को लगातार समझाना शुरू किया, और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि गांधी के बड़े बड़े अनुयायी उनके पोती के साथ सोने पर दुखी होते थे, पत्र लिखते थे। सरदार पटेल, मनु भाई, मनुबेन गांधी को सरदार पटेल ने कहां गायब कर दिया पता नहीं चला, गांव में कहीं बियाबान में। उसकी जो सबसे ज्यादा गांधी के साथ रही वही इतिहास से गायब हो गई, उसको लेकर कितने रिसर्च हो सकते थे। वो गांधी के साथ आखिरी समय में सबसे निकट थी, उन्होंने गांधी के जीवन पे, उसको गायब कर दिया गया। तो कांग्रेस के तो कैरेक्टर्स में धोखा है, तो धोखा दिखा। तो कांग्रेस के सहकर्मियों ने समझाया कि अगर आप दैहिक संबंध बनाएंगे तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान होगा। अब देखिए, अपने जीवन को राष्ट्र से जोड़ने का जो आज भी हम नेताओं का प्रयोग देखते हो, ये गांधी का प्रयोग है। अपने लाइफ को राष्ट्र से जोड़ दिया, वही राष्ट्रवाद बन गया, गांधी ही राष्ट्रवादी हो गए। गांधी किसी के साथ सोएंगे तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा, और गांधी किसी के साथ नहीं सोएंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे तो आंदोलन को आग मिलेगी। ये इस तरह के प्रयोग किए गए राजनीति का, जो आज आप रूप देख रहे हो वो राजनीति का सारा रूप भारत में आजादी के बाद, वो सब गांधी के ही धरातल पे खड़े। इसलिए भारत की राजनीति से में पाखंड जो शब्द है वो गांधी से आया हुआ, झूठ जो है वो गांधी से आया हुआ, लोकतंत्र की हत्या ये गांधी से आया हुआ। कभी भी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं चुने गए, जबरदस्ती गांधी ने थोपा 1929, 1936, 1946, लोकतंत्र के विरोध में है गांधी, परिवार व्यवस्था के विरोध में है गांधी, जबरदस्ती सबके परिवार तुड़वा रहे। आज भी आप देखो राजनीति में परिवारवाद, परिवारवाद, परिवार व्यवस्था के विरोध में आपको गांधी दिख रहे हैं। तो हर मानस के विरोध में है गांधी, हिंदुओं के विरोध में है गांधी, हिंदू नेता बनकर हिंदुओं को छलने के काम कर रहे हैं गांधी, हिंदू नेता बनकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं गांधी, हिंदू नेता बनकर मुस्लिम तृप्तिकरण तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं गांधी, ये सब इस राजनीति में। इसलिए हिंदुओं को गांधी को समझना बड़ा आवश्यक है। जैसे आप कभी, आपको कई सरकारी लोग समझाते हैं पहले इस्लाम समझो हिंदू समझने के लिए, भारत की राजनीति में इस्लाम हिंदू तो सब जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी गांधी को समझ लो।
वो शारीरिक संबंध बनाने तक चले गए थे, बना नहीं पाए क्यों, क्योंकि सहकर्मियों का दबाव था और गांधी चिट्ठी लिख लिख के सबसे संस्तुति चाहते थे, कोई मिलता नहीं था कि पूरी स्वतंत्रता आंदोलन खराब हो जाएगा। गांधी के मन में चोर था, इसलिए चोर ने अपने गांधी के ने अपने जीवन के जो विभिन्न पहलू लिखे हैं उसमें सरला देवी का जिक्र छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा चोरी, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा पाखंड है, छोड़ दिया है। अपनी जो उनकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य आपके ऊपर उतरता है, सत्य आपकी चेतना से निकलता है, उसके साथ प्रयोग नहीं होते, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं क्या प्रयोग करो। पर गांधी के पास शास्त्र की समझ नहीं, उन्होंने हिंदू शास्त्र कभी पढ़े नहीं, कभी उनका इस्लाम ने पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी पढ़ा है, टॉलस्टॉय को पढ़ा है, रस्किन, ये दो लेखक ने उनके जीवन को सबसे ज्यादा बदला, टॉलस्टॉय और रस्किन, तो उन्होंने बदला। तो इसलिए अपने विवाहेतर जो संबंध है सरला देवी के साथ, उसको लिखने से गांधी अपने आत्मकथा में भी बचे हैं। यानी गांधी किस हद तक वासना के वशीभूत थे, ये उनके द्वारा चोरी यानी छुपाए गए इस फैक्ट से पता चलता है। अब मैं आपको गांधी का भी ये पहलू हो गया, मैं फिर धीरे धीरे बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें बताता हूं जो आप याद रखें। पहले अनुशीलन समिति बताता हूं। तो सरला देवी ने सबसे पहले अपने घर के पीछे, वो इतनी स्ट्रांग महिला थी कि तालाब के पास एक व्यायामशाला खोली, तलवारबाजी, लाठीबाज मुर्तजा उसको नियुक्त किया, ऊंची फीस दिया, मोहल्ले के लड़के को ट्रेनिंग दिलवाया, मुक्केबाजी का मुक्केबाजी सिखवाया, चाकू, ढाल, तलवार, बांस की छड़ी, लाठी, इन सब का खर्चा उठाया। हर मोहल्ले में ये शुरू जो है होने लगा। और ऐसी सरला देवी फंस गई गांधी के चक्कर में। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ कुछ चीजें मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूं इस तरह से, तो किताब तो बहुत लंबी हो जाएगी आपको। उसके बाद हिंदू मेला, हिंदू शिल्प जो है, जो टैगोर परिवार ने शुरू किया था, सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार खोल के उसमें स्वदेशी का मंच, स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी सब कुछ, यानी सरला इस तरह की थी। आपको यह भी बताया मैंने, आनंद मठ पे सरला ने उत्तेजित होकर कहा, होने दो दंगे, बहने दो खून, मौत लिखी होगी तो मरने से क्या डर, लेकिन नाटक नहीं रुकेगा। सरला देवी के पिता डर गए, बोले मेरी बेटी बेवकूफी कर रही है, माफ करिए। सरला देवी को घसीट कर ले गए और आनंद मठ का मंचन जो है रुक गया। तो सरला देवी का वो स्ट्रांग व्यक्तित्व मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सरला देवी जो है, विवेकानंद पर जो मैं एक बार करता हूं तो कई लोग मुझ पर अटैक करते हैं। विवेकानंद ब्रह्म समाज में विवेकानंद को लोग लेना चाहते थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, जो इनके नाना थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो वहां पर विवेकानंद ने पूछ लिया देवेंद्रनाथ टैगोर से कि आपने क्या भगवान देखा है जो आप ब्रह्म समाज की बात करते हो। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से कि परंपराओं को, कर्म कांड से को खुरेच रहा था, अपना नया हिंदू धर्म चला रहा था। तो सीधा जवाब देने की जगह देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि तुम्हारी आंखें एक योगी जैसी है। बाद में वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। देवेंद्र ब्रह्म समाज को एक बड़ी निराशा लगी कि एक जो हमारा प्रचारक हो सकता था नहीं हुआ। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु होती है, 5 साल विवेकानंद भारत भ्रमण करते हैं, फिर वो शिकागो जाते हैं, विश्व धर्म सभा में वो भाषण देते हैं। यहां तक उनकी धर्म की यात्रा चल रही है। जब विवेकानंद 4 साल बाद विदेश से लौटते हैं तो ये खबर फैलता है कि श्रीलंका में हजारों लोग उनका भाषण सुनने के लिए उनके रथ को घोड़ों की जगह इंसानों ने खींचा। इतना चारों तरफ कोहराम मचा, विवेकानंद पताका फहरा के आए हिंदू का। लेकिन विवेकानंद ने भाषण क्या किया दिया। अब विवेकानंद जो विदेश से लौट रहे हैं, विदेश से लौटे, उससे पहले के विवेकानंद, अब विदेश से जो लौटे, अब उनका भाषण धर्म की जगह कहां चला गया। तो ये भाषण इन्वर्टेड कॉमा में, सारे कर्म कांड छोड़ दो, अगले 50 साल तक सिर्फ भारत माता की पूजा करो। मोहन भागवत जी जो वही लाइन ले रहे हैं, हमारे पुराने देवताओं को सोने दो, हमारे नए नए देवता इस देश के जागृत देशवासी होंगे। असली शिव पूजक हुआ है जो शिव को भूखे देशवासियों में देखता है। यानी ईश्वर को आपकी मूर्ति पूजा, आपके कर्म कांड, समाज सेवा एक अलग चीज है।
ये ईसाइत का इंपैक्ट है, क्योंकि ईसाइत समाज सेवा के नाम पे बाइबल थमाती है। तो आध्यात्मिक विवेकानंद गए थे, वहां से रिटर्न होकर दूसरा विवेकानंद आ गए, जो यहां आया, यहां आके जो पहला भाषण है उनका, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। सरला देवी ने भारती में एक लेख लिख के बड़ी कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि विवेकानंद देश को संस्कार देने के खुद के कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते, आप खुद कर्तव्य क्यों नहीं निभाते जो देश को संस्कार देने चले हो, आप धर्म की बात करो। और फिर उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन की कोशिशों के बावजूद अब भी हिंदू धर्म कुरीतियों के में बहुत सारी कुरीतियां हैं, क्या वो इसके लिए सिर्फ भाषण ही देते रहेंगे, ये कुछ करके दिखाओ, जो आता है हिंदू धर्म की कुरीतियों पर भाषण दे देता है, तो आप कुछ करके दिखाइए। भारती पत्रिका में ये लेख पढ़कर विवेकानंद ने सरला देवी को पत्र लिखा और पत्र का आदान प्रदान शुरू हुआ। विवेकानंद जी ने उनको, स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ आने का निमंत्रण दिया और वो गए। और विवेकानंद जी ने कहा कि सरला, क्या तुम मेरे साथ विदेश चलना चाहोगी? विवेकानंद ने कहा, तुम्हें भारत की नारियों का प्रतिनिधित्व कर पश्चिम को हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेश देना चाहिए। सरला का व्यक्तित्व में ये था कि विवेकानंद भी हिल गए, तो क्या तुम चलोगी? लेकिन सरला देवी को मालूम था कि उनके नाना ब्रह्म समाज के हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि काली की पूजा करने वाला, काली को अपना गुरु बनाने वाले विवेकानंद को जो है ये सब हिकारत की दृष्टि से देखते थे कि मूर्ति पूजा करता है। तो इस वजह से सरला ने उनसे पूछ भी लिया कि वो तो अशिक्षित ब्राह्मण पुजारी रामकृष्ण को आप अवतार मानकर पूजा कर रहे हो, ये क्या है, क्योंकि ब्रह्म समाज का फैमिली से तो था ही असर। तो विवेकानंद उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। और दूसरा जो मैं बात बार बार कहता हूं कि विवेकानंद जब विदेश से आए तो उनके विचार में चेंज हो गया था। गांधी पर लियो टॉल्स्टॉय रस्किन, जॉन रस्किन की पुस्तक का महात्मा गांधी पे प्रभाव था, लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन का। और सबसे बड़ी बात है कि कष्ट का रास्ता सहने और सरल जिंदगी जीने, ये लियो टॉल्स्टॉय से सीखा था गांधी ने, भारत के किसी धर्म से नहीं सीखा। हिंदू धर्म का अध्ययन उनका बहुत ही जीरो था, बिल्कुल जीरो था। और आपको उसका मैंने बता ही दिया है कि कैलनबैक को गांधी का हनुमान तक कहा जाता था, ये स्थिति थी। उसके बाद जो कुछ कुछ चीजें हैं मैं आपको बता दूं, रामभज जो उनके पति बहुत स्ट्रांग थे, हजारों लोगों को शुद्धिकरण करके मुस्लिम ईसाई को वापस उन्होंने हिंदू बनाया था, और वो भी रामभज को भी गांधी सरला के जरिए प्रभावित करने की कोशिश में एक तरह से, और रामभज बहुत मजबूत और पारंपरिक रूप से मोहियार ब्राह्मण वंश से थे। ये मोहियार ब्राह्मण वंश मतलब शस्त्र उठाने वाले ब्राह्मण होते हैं, और इनके पूर्वज राजा जयपाल ने सिकंदर को रोकने के लिए जो लड़ाई हुई थी उसमें राजा जयपाल भी लड़े थे, उस वंश से थे, तो वो क्रांतिकारी थे। उनको भी अब जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपना पड़ गया, मतलब वो उन पर भी ब्रह्मचर्य एक तरह से सरला थोपने लगी कि रात में वो लेट आती, सुबह जल्दी उठ जाती। एक बार गांधी मनुस्मृति के विरुद्ध थे, गांधी मनुस्मृति के भी विरुद्ध थे। वो कहते थे पुरानी औरतों को मनुस्मृति की तरह अबला और असहाय नहीं बताया गया पुरानी स्मृतियों में। गांधी ने शास्त्र, जो लोग भी शास्त्र नहीं पढ़े वो मनुस्मृति को जरूर गाली देते हैं बने बनाए, क्योंकि गांधी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे तो वो मनुस्मृति के भी विरुद्ध थे। और रामभज को सरला इतना पढ़ाती है गांधी के बारे में, इतने मजबूत व्यक्ति, कि रामभज ने एक दिन कहा कि लगता है तुम गांधी का तोता बन गई हो, उसकी हर बात दोहराती रहती है। आज के हिंदुओं की भी यही स्थिति है, तोता, जो मैं सरकारी हिंदू कहता हूं, तोता बन गए हो, हर बात दोहराती रहती हो। रामभज की मां कहती है, जब वो आयु उस परिवार में गांधी आकर रहते हैं तो उसकी मां कहते हैं, वो गांधी होगा महात्मा ब्रह्मचारी पर हमें न जचा। गांव की स्त्री देखिए उसको भी, गांधी को कैसे महिमा मंडित किया गया है, जिस सरला देवी के घर में इतना दिन रहे उतने दिन में उनकी मां कह रही है रामभज की, सरला की साथ, कि गांधी होगा महान ब्रह्मचारी हमें नहीं जचा, महात्माओं का गृहस्थी में क्या काम,
गृहस्थी में औरतों में घुसा रहता है, इसका क्या काम? उसके खाने पीने के लिए सरला ने जो किया सो तो अपने बेटे तक के लिए उसने कभी नहीं किया। बकरी का दूध तो बकरी का दूध, फल हो तो फल, साबूदाना साबूदाना, खाने पीने के इतने चोचले कहां के महात्मा के होते। ये सरला की सास के का कहना था। वो दीपक को क्या बकरी के दूध पिलाकर शेर बनाएंगे? आम मैंने आपको उस जमाने के अखबार मैंने पढ़े हैं, जब मैं कहानी कम्युनिस्टों की हमारे गुरुजी इन सब के लिए अखबार, जब मैं नागरी प्रचारणी सभा में बैठकर अखबार उस जमाने के आजादी के पहले के पढ़ रहा था, गांधी के प्रति बहुत सारी वितृष्णा थी लोगों में, लेकिन वो फैसिनेशन ऐसे किया गया कि लग रहा था कि, और जो गांधी के पीछे उनके अनुयायी वाली भीड़ थे उसे ही प्रदर्शित करके दिखाया गया। गांधी जब अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन के सम्राट को धन्यवाद देते हैं, वो कहते हैं कि भले ही लोगों को बेमतलब जेल में डाला लेकिन उनको छोड़ दिया, ये सम्राट की सज्जनता है। जालियांवाला बाग के बाद जो जेल में निर्दोष छूटे गए, गांधी का देखिए यही बात आज के हिंदू तो कह रहे हैं, मर रहे हैं तो हिंदू ही दोषी है। वो जेल में छूटे गए निर्दोष हिंदू, उन्होंने कहा भले निर्दोष छूटे गए हो लेकिन ब्रिटेन के सम्राट ने छोड़ दिया, ये उनकी सज्जनता है, इसलिए धन्यवाद कहो। तो सबने कहा धन्यवाद। फिर वो कह रहे हैं कि सम्राट को धन्यवाद देने का प्रस्ताव ले आए, और प्रस्ताव ले आए कि सम्राट को धन्यवाद कहो कांग्रेस को। तो प्रस्ताव ले आए, भले ही लोगों को बेमतलब जेल में डाला गया पर उन्हें छोड़ देना सम्राट की सज्जनता है, जो है उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों के प्रति उनके मन में उदारता है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 10 अप्रैल को अगर गलतियां नहीं की जाती, अंग्रेजों पर हमला नहीं करते भारतीय, तो फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता, बेकसूर लोगों को नहीं मरना पड़ता, बेकसूर लोगों को जेल में नहीं जाना पड़ता, इसलिए जालियांवाला बाग के लिए हिंदुस्तानी दोषी। ये गांधी थे, ये आज आपके बंगाल उंगाल में कहा जा रहा, सब जगह कहा जा रहा, सेम थ्योरी है, आपने नहीं पढ़ा, आपको टहलाने वालों ने उसको पढ़ रखा है गांधी। तो गांधी के बहुत सारे शेड को समेटे हुए, अभी मैंने 100 पेज ही पढ़े हैं इसमें, ये एक उपन्यास की शैली में लिखा हुआ फैक्ट फिक्शन है। इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो बचोगे, उपाय आपके पास कुछ नहीं, और इसीलिए हमारे शास्त्र में पढ़ने को ज्ञान को, भारत का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, फिर भी हिंदू अज्ञानी, वेद मतलब जानना, वेद धातु से जानना, भारत मतलब जो ज्ञान के प्रकाश में रत है, भारत भारत प्रकाश रत उसमें लीन होना। भारत और वेद सब में ज्ञान है, बस आज के वर्तमान हिंदुओं का ज्ञान से कोई लेना नहीं, और इसीलिए नेता हम पर शासन कर रहे हैं। गांधी ने शासन किए, गांधी ने घर तोड़ने से लेकर देश तोड़ने तक की यात्रा की, घर भी तोड़े कितनों के, जयप्रकाश नारायण हो, उनके जो मुन्नालाल शाह थे, कंचन भाग के बाहर अपने पति से संबंध बनाने के लिए बाहर भागना पड़ा, सरला देवी देख रहे हो, और भारत तोड़ा, भारत का विभाजन कराया, ऐसे और खुद का परिवार नहीं बन पाया, ऐसे व्यक्ति को अगर भारत के राजनीति का आदर्श बनाया जाएगा तो बार बार हिंदुओं के परिवार टूटेंगे, बार बार ये देश टूटेगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। इस मामले में कोई प्रश्न उत्तर है तो मैं ले लेता हूं। आज रात्रि आप सब यति नरसिम्हानंद महाराज जी आएंगे 9:30 बजे, गीता के आप तीसरा अध्याय आरंभ होगा, आप सब उसमें पधारिए, गीता आपका जीवन बदल देगा, गीता के अलावा आपका जीवन कुछ नहीं बदलने वाला ये इन नेताओं फेताओं के चक्कर में। तो महाभारत रामायण गीता ये तीन ग्रंथ को आधार बना लीजिए आप। तो गीता अभी यति जी जो सुना रहे हैं उसको जरूर सुनिए, और आप लोग सब्सक्रिप्शन भरिए, कंटेंट का जरूर मूल्य चुकाइए। आज कुछ लोग 1 रुपए भी डाल रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो अपनी मेहनत का डाल तो रहे हैं इसमें, संविदा डाल तो रहे हैं,
क्योंकि कंटेंट का मूल्य तो होना ही चाहिए। तो आप सब कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाने का जरूर प्रयास कीजिए। बहुत धन्यवाद। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी आपका हृदय पूर्वक आभारी हूँ, मोहनदास की करतूतों का स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिंदुओं को सहायक रहेगा। आपका विमर्श पाखंडी के अंतर बनाने के लिए, मेरा नहीं तो सब लेखकों ने लिखा है, लोग नहीं हिंदू पढ़ते हैं। अलका सराफ जी, आप अभी लिखे हैं, शंकर शरण जी की किताब दिखाओ, गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग, वो लिखा जा चुका है। उससे बहुत पहले गिरिजा जी लिख चुके हैं, गांधी और उनके महिला साथी, लोग नहीं पढ़ते हैं। गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग, शंकर शरण जी की किताब, ये तो एक सरला देवी के साथ है, उनके प्रयोग में सब औरतें जो है स्त्रियां आ जाएंगी। उसके बाद गांधी और उनके महिला साथी, ये देखो महिला साथी दिखाओ, ये रहा नीचे मुझे दिखाई दे रहा है, गांधी और उनके महिला मित्र गिरिजा जी, ये सारी महिलाओं का है जिनके साथ गांधी ने उनका जीवन नरक बनाया, बनाने का प्रयास किया, फैमिली तोड़ी। उसको ओपन कर दो ना, उसको महिला मित्र वाले को, हाँ ओपन करो, बड़ा गांधी, महात्मा गांधी और उनकी महिला मित्र। तो मैं तो आपको समय समय पर दे रहा हूँ, और मैं जो एक पुस्तक जो सोच रहा हूँ वही उसी नाम पर श्रृंखला चल रही है, सोच क्या कुछ पढ़ता लिखा भी था मैंने, महात्मा नहीं थे गांधी, वो भी मेरा एक अभियान है, वो पूरा होगा मुझे लग रहा है। और मैं गांधी के उन सब पहलुओं को सामने रखूंगा जिस पहलू पे बात करने में पसीने छूटते हैं लोगों के। सुमैया घोष जी, संदीप जी आपने एसपी को लेटर लिखा था, समूह कामी स्वयं सेवक, FIR? अभी नहीं, अभी अभी मैं फिर से एसपी को नहीं लिखा था, सीपी जो है हमारे पुलिस कमिश्नर को, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। अब रिप्लाई का थोड़ा और इंतजार, मेरे वकील ने कहा कि कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम अदालत के मतलब माध्यम से FIR दर्ज कराएंगे। मोहित शर्मा जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, आपका इस्कॉन के बारे में क्या विचार है? दूसरा, आप संजय सर से क्यों नाराज हैं? सब एक होकर रहेंगे तो अच्छा है। पहली बात तो यह है कि इस्कॉन के बारे में ऐसा मेरा, मैंने कोई कभी कुछ बोला भी नहीं है इस्कॉन के बारे में। तो इस्कॉन के बारे में अभी मैंने, एक बात है कि वो गीता बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि गीता बांट रहे हैं, उनकी ही व्याख्या हो सही, लेकिन गीता वो बांट रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि संजय जी से, रहने दो, भगा क्यों रहे हो, संजय जी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, उनके चैनल पे मेरी चर्चा होती है, मैं तो अपना चैनल पे चर्चा भी नहीं करता, तो ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि उनके चैनल पे कई बार अभिषेक तिवारी हो, वो हरीश जी हो, ये सब मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मैं तो नहीं करता, किसी के बारे में नहीं, किसी का नाम नहीं लेता, तो ये आपको उनके उनसे कहना चाहिए। दूसरी बात, झुंड बांध के पत्रकारिता नहीं होती, झुंड बांध के पत्रकारिता नहीं होती, ये मेरा साफ सिद्धांत है। मैं क्राइम रिपोर्टर और कोर्ट रिपोर्टर भी रहा हूँ, वहां झुंड को मैं तोड़ता था, क्योंकि एक जैसी खबर सब लिखते हैं, खबर को की सत्यता मर जाती है, सब एक दूसरे को, ताकि नया बाद में कोई और अलग लिख दिया तो सब उस पर टूट पड़ते थे। तो पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, संजय जी पत्रकारिता उनका ब्यूरोक्रेसी का कैरियर है, तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैं झुंड बांध के पत्रकारिता नहीं करता। तीसरी बात कि हमारे बीच में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, हम व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, तो ये आप लोगों को लगता होगा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनके प्रोग्राम होते हैं, उन्होंने पिछली प्रोग्राम में मुझे बुलाए थे, तो मैं छठ पर्व में था तो नहीं जा पाया था, उसके बाद कोई प्रोग्राम आदि हुआ नहीं है, तो मेरा इससे कोई नहीं है। और आप पत्रकारिता पसंद करो मोहित जी, झुंड बांध के मुझसे पत्रकारिता तो नहीं होती कि मैं ग्रुप बांध के पत्रकारिता करूं, फिर हर सब तय कर लेगा कि इस लाइन पे पत्रकारिता करनी है, इसका मतलब पत्रकारिता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना है, दबाना है, ये मैं शुरू से इसके विरुद्ध हूँ, आज से नहीं शुरू से हूँ। तो मैं कोई संगठन बनाने नहीं निकला हूँ, मैं पत्रकारिता विशुद्ध कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझे पत्रकार और लेखक ही आप रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। और आगे डीआर कह रहे, संदीप सर, गांधी से लेके राम मोहन नेताजी तक क्या सभी ग्लोबल एजेंडा पर चल रहे थे? आखिर ये एजेंडा चल कब से रहा है? प्लीज टेक माय क्वेश्चन। देखिए, ग्लोबल एजेंडा तो दिख रहा है, गांधी ने जालियांवाला बाग में हिंदुओं को दोषी ठहरा दिया, हिंदुओं मतलब भारतीयों को दोषी ठहरा दिया, ये तो आपको दिखाई। इसमें राम मोहन राय हिंदू धर्म पे आघात करने के लिए आए थे, आधुनिक फादर के रूप में उनको प्रमोट किया गया, और राम मोहन राय की समाधि भी कहीं और बनी है विदेश में,
तो वो भी साफ दिख ही रहा है। नेताजी के बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि नेताजी ब्रिटेन से टकरा रहे थे। नेताजी खासकर आप कह सकते हैं कि वो सेकुलर थे, सेकुलर थे। उनके एनआईए में मुस्लिम पदाधिकारी लोग थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो ब्रिटेन से टकरा रहे थे, रसिया की तरफ झुके हुए थे, स्टालिन आदि के प्रति उनका एक था, लेकिन वो ब्रिटेन का एजेंडा नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रिटेन और अमेरिका से टकरा रहे थे, तो इसलिए वो एजेंडा नहीं हो सकता है। सेकुलर एजेंडा आप कह सकते हो कि उस समय का ऐसा माहौल था कि जब सब सेकुलर हो गया था तो एक आदमी, जैसे आप अकेला मैं बोल रहा हूं तो मैं अकेला ही पड़ गया ना एक तरह से, तो जब सब सेकुलरिज्म की धतूरे चाट रहे हो तो वो भी सेकुलरिज्म के चक्कर में रह गए, तो वो चीजें थी। लेकिन नेताजी ग्लोबल एजेंडा का पार्ट मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि फिर ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध में वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के अलग धुरी राष्ट्र, जिसमें आपको जापान, इटली और जर्मनी था, वो उसकी तरफ से मदद लेने गए थे, तो फिर उस ग्लोबल एजेंडा का पार्ट मुझे नहीं लगता वहां होंगे, तो ये मुझे नहीं लगता। सेकुलर थे इसमें कोई नो डाउट है। मुरली बेहती जी कह रहे हैं गोरक्षा के लिए चार मामले नित्य, हिंदू रक्षा के लिए विष्णु, गोरक्षा के लिए चार मामला, चार माला नित्य, हिंदू रक्षा के विष्णु सहस्र नाम तो पढ़िए, उसके बहुत प्रभाव होते हैं और मैं सबके प्रभाव आपको बताता रहता हूं समय समय पे, तो उसके बहुत प्रभाव है वो, तो आप कितना आधा घंटा भी अगर आप अपने लिए नहीं दे सकते हो, बॉस के लिए देते हो, समाज सुधार करना है, नेताजी, प्रधानमंत्री जी, फलनवा जी, ढेकना जी, पार्टी जी, पूरा जीवन अपने लिए क्या? अपने के लिए आधा घंटा रोज तो निकाल सकते हो, अभी रोज नहीं निकल पा रहा है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन निकालो। और वो जो ब्रह्मांड में ना भेज रहे हैं असुर, असुर ध्वनि भेज रहे हैं, उसको काटने का आपके पास क्या तरीका है? कोई नेता तो काटेगा नहीं आपके लिए, तो उसके भरोसे बैठे हो, आप क्या कर सकते हो? आपको ठीक है, आप लड़ने अभी नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, मत लड़ो, पर आप उस ब्रह्मांड में अपने नाद तो भेजो, ये तो आपके काम है। यज्ञ क्यों होते थे? देवताओं और मनुष्यों के बीच में यज्ञ क्यों जोड़ने की कड़ी थी, वो क्यों होते थे? वो आप कर नहीं पा रहे हो, तो जो काम हमें करना वो हम नहीं कर पा रहे, वो भी नेताजी के भरोसे बैठे हैं, तो कैसे जीतोगे? जो इन्होंने कहा आपके देवता को सो जाने दो, विवेकानंद जी ने, देवता कमजोर हुए तभी हिंदू मर रहा है, आपने अपने देवता को वास्तव में सुला दिया है, तो जब देवता तुम्हारे सो जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए कम से कम विष्णु सहस्र नाम का हर कोई पाठ तो जरूर करो। नवीन वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। संग्राम जी, संग्राम केसरी रॉय, बहुत बढ़िया। संदीप जी, इतना कुछ सुनने के बाद यदि लगता है कि गद्दार हमेशा हिंदू ही होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद धर्म का ज्ञान नहीं, मुस्लिम को अपनी कुरान का ज्ञान है, तो काफिर और ईमान वालों में उसे फर्क पता है, क्रिश्चियनों को उसकी बाइबल का ज्ञान है, तो उसको पता है क्या करना है, यहूदियों को अपने जो है ओल्ड टेस्टामेंट का ज्ञान है, सिखों को अपने गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, एक हिंदू ही है जिसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है, हर चीज पे उससे पूछवा लो वो हर चीज का एक्सपर्ट बन जाएगा, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने शास्त्र को नहीं पढ़ता। अब हिंदू दोष देगा, इतने शास्त्र है हम क्या पढ़े, तो तुमने एक भी तो अध्याय, एक भी तो नहीं शुरू किया, रामायण शुरू कर लो, नहीं होता महाभारत कर लो, नहीं उससे भी शॉर्ट तो 18 अध्याय का गीता तो पढ़ लो, वो तो वो लोग भी तो एक ही किताब पढ़ के पूरी दुनिया में उत्पाद किए हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, कितने देश बढ़ गए। हिंदू में, और हिंदू की सबसे बड़ी बात है कि जब धर्म शास्त्र से रूट टूट जाता है तो वो फिर, क्योंकि बिना रूट तो आप रह नहीं पाओगे, तो वो कहीं नेता से रूट जोड़ता है, किसी अभिनेता से जोड़ लेता है, किसी पार्टी से जोड़ लेता है, किसी संगठन से जोड़ लेता है, और ये सब नश्वर है, तो नश्वर से जोड़ने वाला नश्वर नष्ट ही होगा, गांधी से जुड़ के नष्ट ही हुआ, भारत बटा, 10 लाख से ऊपर लोग, 10-20 लाख लोग मारे गए। इसलिए मेरा आपका मानना है कि हाथ जोड़ता हूं, आपका कल्याण होगा, आप अपने शास्त्र को पढ़ो, ये आपके, मैं इसमें क्या, मेरा मेरा बताओ मेरा क्या भला होगा, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, शास्त्र को पढ़ो। और मैं इसके लिए फिर आप देखो, आप लोगों ने कहा, मैंने तो मैंने रामायण पे बोलना शुरू किया,
गीता यदि मैं जितना कर सकता हूँ। अब पहले लोग शिकायत करते थे, संदीप जी आप कहते हो पुस्तक तो मिलती नहीं, अब जैसे ये मेरी जवाबदेही, या मैंने कहा तो आपको लाना लेकिन मेरी जवाब, तो फिर मैंने कहा ठीक है कपोत शुरू करो भाई, पुस्तक इनको पहुंचाओ। हम बहाने तलाशते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, भागना है किसी तरह। और आप समझ नहीं रहे हो कि आपके जीवन से एक दिन माइनस हो रहा है, एक एक घंटा एक एक दिन माइनस हो रहा है। वही जी कह रहे हैं ठीक है सर, बाकी आप विष्णु सहस्र नाम कब से शुरू करें? मैं तो पढ़ रहा हूं विष्णु सहस्र नाम का, जो एक एक नाम का अर्थ है वो मैं आदि शंकराचार्य की सीरीज के दो तीन एपिसोड बचे हुए हैं तो वो समाप्त कर दूं, क्योंकि आदि शंकराचार्य की और चीजों का मैं रिसर्च करने के लिए भी पुरी गया था, जगन्नाथपुरी, और मैं जगन्नाथपुरी से निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी की लिखी पुस्तक भी लेकर आया हूँ, तो उसको तो थोड़ा और मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो जब आदि शंकर के सीरीज समाप्त हो जाएंगे तो फिर मैं विष्णु सहस्र नाम में ही जाऊंगा एक एक अर्थ पे, और आदि निश्चलानंद सरस्वती द्वारा जी द्वारा लिखित पुस्तक भी मैंने कपोत पे उपलब्ध करा दिया है। तो एक बार एक चीज को समाप्त कर दूं, नहीं तो फिर वो अधूरा पड़ा रहेगा। और बाकी सब जो हम लोग बोल रहे हैं उसको पुस्तक के रूप में भी लाना है, तो वो भी एक मॉडर्न आज की भाषा में जो समझा रहे हैं तो उसके लिए भी उसका पूरा होना आवश्यक है। नवीन जी कह रहे हैं संदीप सर मेरे परिवार में पिताजी मेरी बेटी मेरा पुत्र सब मोदी को महान मानते हैं, जब मैं समझाता हूँ तो सभी लोग ज्ञानी बन जाते हैं, क्या करूं? ये सरला देवी को, सरला देवी अपने पति पे ज्ञानी नहीं बन गई थी? सरला देवी गांधी में भी एक बात था जो मोदी जी में है, वो घर की महिलाओं को टारगेट करते हैं, गांधी ने भी यही किया था, तो आपको ही नहीं सुनेगा तो राम भज्ज को कहां सुनने को तैयार थी सरला देवी, जो इतना देशभक्त थे उनको सुनने को कहां तैयार थी सरला देवी? ये कहानी तो पुरानी चल रही है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे कि क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी नेता आदि का, हिंदुओं का विनाश हो रहा है तृप्तिकरण में, जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी में अगर उनको पूरा भरा जा रहा है जो इस 8 साल से पहले नहीं होता था 2-2.5% से, तो कल को दंगे होंगे, सारी योजनाएं सब उनको दिया जाएगा और आप रह जाओगे दंगे में, आपको आपके बच्चे मारे जाएंगे। ये फैक्ट आप उनको दीजिए कि क्या क्या स्थिति है, इससे प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे, जिसको 10% ये कर चुके हैं सरकारी नौकरी में 10%, अब 12% हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में 5%, तो सेक्रेटरी लेवल से लेकर जिला कलेक्टर तक वही बैठा रहेगा, एसपी तक वही बैठा रहेगा, तो आप जाओगे किधर? किधर जाओगे? घेर के मार देंगे आपको, समय नहीं दिख रहा ना अभी 50-100 साल बाद आपके बच्चों को, फिर आप बताना कि क्या स्थिति होगी। ब्यूरोक्रेसी में या संस्थागत रूप से ये बहुत खतरनाक कर दिया इन्होंने मोदी सरकार ने, और भारत के टोटल संसाधन पे, सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट नहीं जो आपको मास्टर स्ट्रोक वाली पढ़ाते हैं, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय, टोटल संसाधन पे 35% संसाधन पे उनको अधिकार दे दिया। अभी 13% जनसंख्या है, तो उनकी बढ़ेगी तो अगली कोई सरकार आएगी वो 35 से 75, तो आज आप देखो जो शुरू में जैसे आप ध्यान नहीं दिया लोगों ने, तो संविधान बनाया गया, SC ST किया, रिजर्वेशन, तो इन लोगों ने कहा कि क्या है ठीक है जी चलो, जबकि अंबेडकर विरोध में थे भाई, उसका आकलन होना चाहिए, तो ठीक है। आज जो इन्होंने कहा था ठीक, उसके बाद मंडल कमीशन बना, अरे चलो ठीक है, आज उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा जिन्होंने कहा कि ठीक है, आज उनके बच्चे सुलभ शौचालय में पेशाब करने जाते हो तो 2 रुपए का सिक्का गिन रहे हैं वो, और जिनकी स्थिति ठीक है वो देश छोड़ रहे हैं जिन्होंने कहा ठीक है चलता है। ये वो खतरे हैं जो भारत लगातार झेल रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आगे भी होने वाला है। अंबेडकर जी ने क्या कहा था, उसका आकलन क्रिमिलेयर को बाहर करो, क्या ये बाहर कर रहे हैं कोई? वो अस्थाई हो जाएगा तो कोई सरकार नहीं हटाएगी, वही अस्थाई आपका हो जाएगा, कलेक्टर वही, एक गृह मंत्री बना सिर्फ मलेच्छ वर्ग से, पूरे कश्मीर को साफ कर दिया 2 महीने में, वो कलेक्टर वही, ज्वाइंट सेक्रेटरी वही, सेक्रेटरी वही, पुलिस में दरोगा वही, बंगाल का लिस्ट देखो ना पुलिस भर्ती में कौन लोग आए हैं, केवल वही 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 है, और किस श्रेणी से? OBC श्रेणी से। तो आपके हक को मार कर पूरे भर दिए गए हैं उसमें,
तुम जाओगे किधर, घेर के मारा जाएगा, जाओगे किधर? ये तो उनकी, कल आपने देखा कल मेरठ में, अब वो धीरे धीरे उनकी पूरे पॉपुलेशन हो गए, तो हिंदू छोड़ा छोटा हो गया, सिकुड़ गया। तो कल मेरठ में होली के दिन, वीडियो देखो जाके ट्विटर पे, होली के दिन पथराव किया हिंदुओं पे, मुंह हाथ तोड़ दिया उनके, क्या होली तुम नहीं मना सकते? ये आपके साथ होगा, पुलिस थाने में जब शिकायत करने जाओगे तो फिर वही बैठे होंगे, भाग जाओ यहां से, ऊपर जाओगे एसपी वही, भाग जाओ, मुख्यमंत्री सरकार और नेता तो उन्हीं के लिए रहेगा, तो जाओगे कहाँ, कहाँ जाओगे, भूटान में? मेरी बात खराब लग रही है, परिस्थिति तो वही होगी क्योंकि ये हो चुकी है, पर आप तो पड़े सैफरन एम्पायर। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। यस गौतम जी धन्यवाद। संदीप जी विष्णु सरस नाम के लिए क्या केवल सहस्त्र नाम बोलना काफी है या फिर पूर्व पीठ और फलश्रुति भी जरूर? देखिए मैं आपको इसका, सबसे विष्णु सहस्त्र नाम के लिए सब पढ़ना भी आवश्यक नहीं है, सप्ताह में एक दिन चाहो तो आप वो पढ़ सकते हो कि युधिष्ठिर और भीष्म का जो संवाद है कि किसका नाम लेने चाहिए, बाद में फलश्रुति भी एक दिन पढ़ सकते हो, अंत बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम जो ध्यान से शुरू करो, शांताकारं भुजंग शयनं ध्यान से शुरू करो, विनियोग पढ़ो और सिर्फ सहस्त्र नाम पढ़ लो, 107 श्लोक पढ़ लो, सब मत पढ़ो। फलश्रुति यानी ये कि उससे आपको क्या फल मिलेगा, तो आप पढ़ ही रहे हो, और उसकी भूमिका वो कि कौन सा नाम है जिसको लेने से सारे कष्ट दूर होंगे, सारे भय दूर होंगे, तो वो नाम आप ले ही रहे हो। तो सिर्फ आपको 107 श्लोक है वो, और उससे पहले थोड़ा ध्यान के लिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार मंत्र जाप कर लो, और शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक ध्यान के लिए मुद्रा बनाकर, ताकि आपके मन में विष्णु तत्व उतरने लगे, उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम सिर्फ 107 श्लोक पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, बाकी बिल्कुल छोड़ दो। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं मैं आज 9:30 बजे रात्रि में यति नरसिम्हानंद जी के साथ। गीता का जो तीसरा अध्याय है, गीता अपने जीवन में उतारो, बचोगे तभी। अर्जुन और पांडव बच पाए, तुम भी बचोगे, कृष्ण की कृपा के बिना आप नहीं बच सकते, ये साफ बता देता हूं। इसलिए कृष्ण की कृपा के रूप में वो गीता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने सारे शास्त्रों को मिलाकर एक शास्त्र आपको दिया, वो जानते थे अब कलयुग आ रहा है तो वहां इतना नहीं पढ़ेगा कोई, तो सबका निचोड़ आपको एक शास्त्र में दिया, उस शास्त्र को तो कम से कम अपने पास रखो, पढ़ो, और उसका जो की व्याख्या मैं यति जी से करवा रहा हूं इस डिजिटल युग युग में, ताकि आप उसको सुन सके, समझ सके, तो आप आइएगा जरूर 9:30 बजे रात्रि में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।